अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं इश्तियाक अली। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कोटरी से। कोटरी में शादीशुदा औरत को उसके बच्चे समेत अगवा कर लिया गया और केस भी दाखिल कर लिया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अली बसरा से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोटरी में शादीशुदा औरत अपने एक बच्चे समेत अगवा, अदालत के हुक्म पर केस दाखिल हो गया। कोटरी साइड सिकंदराबाद में रज़िया मलिक 4 साल अपने एक बच्चे के साथ अगवा हो गई, जिस पर शोहर शमशेर मलिक की फरियाद पर फार्स सिविल जज जामशोरों के हुक्म पर मुकदमा दर्ज। शमशेर मलिक ने बताया कि वो गाँव गया हुआ था, पीछे से मेरी बीवी और एक 4 साल का मेरा बेटा है जिसको ज़बरदस्ती अगवा कर लिया गया। शोहर का कहना था कि अगवा के साथ साथ निकाह के ऊपर निकाह के कलम भी लगाए जाएं और जवाबदार अयाज अली बरोही और एजाज अली बरोही को जल्दी गिरफ्तार किया जाए और मेरी बीवी और बेटे को बाजियाब करवाया जाए। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया उमैर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, मजीद खबरों के लिए देखते रहिए एसएम न्यूज़।